आज सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंत के दौरान खासी गहमा गहमी रही और अब नतीजा सामने आ चुका है नतीजा यह है कि हुकूमत की तरफ से बतौर नुमाइंदा जो उम्मीदवार लिए गए थे सादिक सन्जरानी वो 48 वोट लेकर जीत गए हैं और अपोजिशन की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी बयालीस वोट ले सके हैं और वो हार चुके हैं लेकिन अपोजिशन इस वक्त अपनी हार नहीं मान रही है और वो इस वक्त जो सात मुस्तरदशुदा वोट्स हैं उनके ऊपर ट्रिब्यूनल में जा रही है थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका पसमंजर दे दूँ तो आज सेनेट के क्शन के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने सात वोटों के बारे में बताया कि ये मुस्रद हो गए हैं और मुस्तरद होने के बारे में उन्होंने ये बताया कि जो बॉक्स बैलेट पेपर में दिया जाता है उसके अंदर उम्मीदवार के नाम के ऊपर जो है मोहर लगाई गई है अब ये एक खासी आसान सी बात थी जो कि सभी को पता थी और इससे पहले भी सैनिटर्स को भी नमूना और सैम्पल्स जो हैं वो बैलेट पेपर के दिखाए गए थे लेकिन इसके बावजूद जो अपोजिशन की तरफ से फारूक नायक और दीगर अरकान ने भी इस पर खासी जो है वो एतराज़ भी किया है और उन्होंने कहा कि

जिस की जो तस्दीक है वो सईद गनी साहब ने भी की सेनेट से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि अब वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं और इस नतीजे को वो चैलेंज करेंगे दूसरी जानब अभी थोड़ी देर पहले ही जो डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट के लिए भी नतीजा सामने आ गया है और उसमें भी हुकूमती जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद मिर्जा आफरीदी वो जीत चुके हैं अब यहां से खासा जो है एक दिलचस्प रास्ता आगे निकलेगा और इसमें मजीद ये भी देखना होगा कि आगे क्या डिवेलपमेंट होती हैं स्पेशली क्योंकि अपोजिशन काफी ज्यादा उम्मीद लगा रही थी यूसुफ रजा गिलानी से और दूसरी हम ये देखेंगे कि किस तरह से अपोजिशन इस केस को आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लेके जाती है और क्या वो इस केस को चैलेंज करके क्या रिपोलिंग कराते हैं या नहीं ये हमें मजीद आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा